हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो हमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोजेलिक एसिड। तो हम इस सेक्शन के अंदर जो है एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंदर हमको जो देखना है वो है कि अल्कोहल से हमको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, जो कार्बोजेलिक एसिड बनाना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए आज शुरू करते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल से कीजिएगा, आप PCC कीजिए या CR3 कीजिए या आप कॉपर 573 के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से किसी के इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको एल्डिहाइड देगा। लेकिन इसी 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आप KNO4 अल्कलाइन मीडियम, आप अल्कलाइन KNO4 भी लिख सकते हैं, अल्कलाइन यहाँ बेसिक मीडियम डाल दिए हैं तो ये भी लिख सकते हैं आप। इसको लिखिए या K2Cr2O7 को लिखिए या ऑस्मियम O4 भी ले सकते हैं, किसी को कीजिएगा, ये तो आपको कार्बोजेलिक एसिड देगा। ठीक है, ये हमको कार्बोजेलिक एसिड बना के देगा। तो हमको चाहिए क्या, इस सेक्शन के अंदर हमको इससे ये चाहिए, तो हम इसका इस्तेमाल, हमको ध्यान रखना है अगर आप कर लिए गलती से इस दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमको कार्बोजेलिक एसिड बनेगा। थोड़ा भी एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। पहले तो हमको यही 3 सेलेक्ट करके रखना है, आप इसके जगह पर कॉपर हिट भी रख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और ये क्या टर्म्स हैं उसको पहले हम समझते हैं कि क्या होता है हमारा PCC। हम इसका मतलब होता है पेरियम क्लोरोक्रोमेट। ऐसे ले सकते हैं या ये दोनों ऐसे रिएक्ट करता है, आप कहीं कहीं ऐसे भी देखिएगा। CrO3 है, ये क्लोरीन माइनस क्या करता है, इस पर अटैक करता है और ऐसे ओपन कर देता है तो यहाँ पर O- हो जाएगा। ठीक है, और Cr ये डबल O और ये Cl हो जाएगा। तो इस दोनों की जगह पर आप इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा आप ऐसे भी लिख सकते हैं PCC। जैसे हम लिखते हैं CH3OH, अगर आप PCC इस्तेमाल कीजिएगा या ये इस्तेमाल कीजिए या CrO3 इस्तेमाल कीजिए, किसी के इस्तेमाल कीजिएगा ये क्या बनाएगा, इसको एल्डिहाइड। मतलब एक्चुअली ऑक्सीडेशन में होता क्या, यहाँ क्या हुआ वो देखिए, यहाँ आपका है ऐसे, और यहाँ है आपका ऐसे, ये दिया हुआ है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है हमारा, इस दोनों के अंदर हमारा क्या अंतर है, अगर इस दोनों में देखिएगा तो आप क्या है, यहाँ से एक H गया है और यहाँ से एक H गया है। ठीक है, तो 2H गया है, तो 2H अगर हटता है तो क्या कहते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। अगर 2H छूटता है तो हाइड्रोजनेशन, 2H हटेगा तो डीहाइड्रोजनेस। एक्चुअली ऑक्सीडेशन के अंदर है हमारा हो क्या रहा है, डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, यानी कि ये दोनों हमारा हट जाता है। ठीक है, इसके डालने से हमारा क्या होगा, यानी कि जहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है उसका एक H और इसका एक H दोनों जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा होगा, तो थोड़ा एक और इसमें ग्रुप लगा देते हैं, देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करेगा। अगर हम लिख दें CH3 CH2OH,
इस पे हम यही सब डाल दें तो क्या होगा? इसमें बताइए क्या होने वाला है। इसके अंदर यहाँ से केच हटाएंगे, दूसरा कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो दोनों जगह से एक एक एच हटा दीजिए, एक यहाँ से हटा दीजिए, एक यहाँ से हटा दीजिए। बाकी पीछे क्या लगा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। एक एच यहाँ से हटा दिए, एक एच यहाँ से लगा हटा दिए, इसको ऐसे रखिए आप, ये हम मान लिया। अगर ऐसे यही इसके पीछे क्या लगा है, जैसे यहाँ से काट देते हैं, आप इसको इस पे इस्तेमाल कर लीजिए, बेंजीन पे इस्तेमाल कर लीजिए, CH2COH। हमको इस पार्ट से लेना है, इधर क्या लगा है हमको उससे मतलब नहीं है। यानी जहाँ हमारा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है उससे हमको मतलब होता है, पीछे क्या लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो इस केस में क्योंकि इसका पे यही इस पे ही वो काम करेगा, जैसे हम ये लगाएं तो ये क्या करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा, इसी को कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से केच हटाएगा, एक एच यहाँ से हटाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। इसमें अगर जो इंसर्ट के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल में ही डबल बॉन्ड लगाए हुए हैं, मान लीजिए आप डबल बॉन्ड कहीं लगाते हैं, तो उस पर इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब इसमें आप क्या कीजिए, आप कोई PCC कर दीजिए। PCC करने के बाद क्या होगा, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, बाकी हमारा जितना है सब के सब रिमेनिंग हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे दें, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें, डिग्री क्या है, 1 डिग्री कि 2 डिग्री, कैसे कर चेक करते हैं, जहाँ हमारा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन पे, वो कितने कार्बन से अटैच है, वो कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, जितना कार्बन से अटैच होता है वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। तो एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है, तो यहाँ भी 1 डिग्री है। आप पीछे क्या लगाएंगे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ से केच हटेगा और एक एच वहाँ से हटेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमको CH3CHCHO CH3। ठीक है, कोई क्वेश्चन एक ले लीजिए, मन है कि ये ले लेगा, यही ले लीजिए आप। इसमें अगर आप PCC या CrO3 या कॉपर 573 को इस्तेमाल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको एक एच यहाँ से, केच यहाँ से जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमको CH3CH2CHO बनेगा। अब इस पर हम अगर KNO4 डालेंगे अल्कलाइन नेट के साथ तो क्या बनेगा हमारा, इसमें हमारा बन जाएगा अल्कलाइन लिखिए या KNO4OH- लिख दिया अल्कलाइन के लिए और हिट कीजिए। तो अभी हम बताए थे कि अगर ये इस्तेमाल करेंगे हम ऑक्सीडेशन के लिए तो इसको क्या करेगा, कॉपर जले के एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये क्या हो जाएगा CH3CH2COH हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑक्सीजन एजेंट को यूज़ करना है। 1 डिग्री केस में हमको माइल्ड यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे हमको कॉपर जले के एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इससे हमको बचना है। यहीं पर अगर आप बेंजीन लगाते तो भी वही केस होता, ये चीज़ अगर यहाँ पर हम बेंजीन लगा देते तो क्या होगा, यहाँ बेंजीन लगा दीजिए और तो यहाँ बेंजीन लग जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तो फिर यहाँ बेंजीन लग जाएगा साइड से, मतलब इससे हमको बैक साइड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा आराम से बन गया, किसी से डालने एल्डिहाइड बने, इसके पीछे क्या लगा है कोई फर्क नहीं है, ये हमारा कॉपर एक्सिड बन गया। तो हमको ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ करके माइल्ड यूज़ करना है, जिससे कि हमको एल्डिहाइड तक ही रुक जाए। अगर हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे तो हमको कहाँ पर जाके रुकेगा, वो हमको रुकेगा कार्बोजेलिक एसिड पर, जो कि हमको चाहिए नहीं। हमको इस केस में हमको क्या चाहिए, एल्डिहाइड, तो हमको क्या यूज़ करेंगे, माइल्ड यूज़ करेंगे।
तो अब देखते हैं टोल्युटी अल्कोहल पे कोई भी ऑक्साइडिंग एजेंट डालिए आप, ये बन जाएगा कीटोन, जिससे आप 1 डिग्री में बच रहे थे अब यहाँ डालिए कोई फर्क नहीं है। आप के एम एन ओ फोर ओ एच माइनस अल्कलाइन के एम एन ओ फोर हिट कीजिए, या के टू सी आर टी ओ एम सेवन हिट कीजिए, किसी के साथ कीजिए के टू सी आर टू ओ सेवन हिट कीजिए अल्कलाइन मीडियम में, तो किसी के साथ आप करेंगे तो ये ही देगा, या आप सी आर थ्री कीजिए, या आप ठीक है, या आप उसके जगह मन है पी सी सी करने का तो आप पी सी सी कीजिए। आप किसी का भी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर तो आप इसके जगह मन है कॉपर 573 के, ये सब क्या था हमारा अल्डिहाइड बना रहा था, ये सब हमको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो जनरली हम यहाँ देखेगा ये फॉलो और ये फॉलो इंसर्ट करता है, तो अब मतलब ये दोनों में से आप इस इस्तेमाल करेंगे तो हमको टूटी पे कीटोन मिलेगा। अब देखते हैं हम टूटी पे क्या क्या बन सकता है। चलो अब हम देखते हैं टूटी, जैसे हम लेते हैं टूटी कार्बन, ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऑक्साइडिंग एजेंट यूज़ कर लेंगे तो क्या बनाएगा हमको कीटोन। कीटोन बन जाएगा हमारा, ठीक है। आप इस पे KNO4 डालिए या CrO3 डालिए, कोई भी डालिए, माइल्ड डालिए स्ट्रॉन्ग डालिए, आपको कीटोन ही बनेगा, ठीक है। अगर आपका सवाल कैसे भी रहे, आपको मन है यहाँ पर ब्रांच लगाए OH ऐसा कुछ करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है आपका, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा, ये सब ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए इसके अंदर तो क्या बनेगा CH3CH, यहाँ डबल वन ओ CH3, यहाँ CH3 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से हम देखें, अगर हम थोड़ा रिंग सेक्शन आप इसमें से हमको बताइए यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर OH देंगे तो सबसे पहले तो इसमें हमको बताइए डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री या 1 डिग्री, तो ये कार्बन कितने से अटैच है, 2 डिग्री से, तो 2 डिग्री से अटैच है तो क्या होगा इसके अंदर, ये यहाँ ये कार्बन जो है यहाँ से भी अटैच है और यहाँ से भी 2 कार्बन से अटैच है, तो कितना डिग्री होगा हमारा, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री होगा हमारा, तो 2 डिग्री होगा, और 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा कीटोन। इसमें कीटोन कैसे बनेगा, तो इसमें कीटोन आप कोई भी ऑक्सीजेंट आप CrO3 डालिए या आप KNO4 डालिए, आप जो भी डालने का मन है डालिए, ये क्या करेगा इसको सीधे इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर 1 डिग्री हमारा है ध्यान रखना है कि उस पर हमको क्या करना है 1 डिग्री के केस में, कि माइल्ड यूज़ करना है जिससे कि हमको अल्डिहाइड पर जाके रुक जाए, अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे हम अल्डिहाइड होते हुए वो एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, तो हमको इस चीज़ को थोड़ा सा केयर करके रखना है। बाकी आप इसके अंदर जो मन है डालिए, वो आपको 2 डिग्री जो है तो आपको कीटोन ही बनेगा आपका, ठीक है। आपका ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ बेंजीन लग जाए, ऐसा हो, एक ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों तरफ आपका बेंजीन लग जाए, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको आप करिएगा तो क्या कीजिएगा, PCC या CrO3 जो भी करने के मन हो, या KNO4
OH- हिट, ये क्या बनेगा, ये कीटोन बनेगा आपका। ऐसा बन गया, यानी कि आपको कभी भी एसिड हैलाइड बनाने का मन हो तो इसके थ्रू भी बना सकते हैं। बहुत सारे आगे तो कन्वर्शन आएगा ही, देखिए तो आप इसे ही बना सकते हैं। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा आपको, सेम चीज़ डालेंगे ये क्या बनेगा, ये एक एच यहाँ से एक एच यहाँ से हटेगा, इसी में एक एच यहाँ से एक एच एच यहाँ से हटा है, ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ लगा दीजिए बेंजीन, क्या दिक्कत हो गया हमारा। तो आप कहीं पर भी टू डिग्री देखना है, टू डिग्री खाली देखना ये है कि ऐसा नहीं कि आप बेंजीन पे डाल दीजिए, ऐसा नहीं कि ये बेंजीन पे है, आप इस केमिनो फोर्स ऑक्सीडेशन कराइएगा तो नहीं होगा। इसका भी ऑक्सीडेशन होता है, बनता है कीटोन, बेंजो कीटोन करके होता है, लेकिन इससे नहीं होगा आपको, ठीक है। तो केमिनो फोर ये सब जितना यूज़ किए इससे आपका इसमें नहीं होने वाला है। तो बेंजीन पे हमारा इससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हम इसमें शुरू करेंगे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो एक अलग सेक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन छोटा सेक्शन था, इसमें हम कवर अप कर लिए। हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे हम आपको, नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हम बहुत सारे रिएक्शन हम देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे क्यों होता है, वही क्यों होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं होता है, उसके पीछे भी हम देखें, इसे भी देखेंगे कहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, कैसे करेगा, हम उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।